में आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया। ये है सड़के हैदराबाद की। पहुंच चुका हूँ आज हैदराबाद। बाजी का शो है, यूयो हनी सिंह भाई का शो है और वो आज शाम को 11 बजे के आसपास ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन सबसे बढ़िया बात, खूब बात भैया, हैदराबाद की सड़के। और ये भैया क्या हाल चाल है आपका? क्या नाम है आपका? देवेंद्र है सर। देवेंद्र जी, ये टियोस चला रहे हैं, डीजल है? डीजल है। कितने सालों से चला रहे हो? पांच सालों से ये टियोस चला रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट के सराउंडिंग रिंग रोड है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, सड़कें काफी चौड़ी हैं। सेकंड डिफरेंस, अगर दिल्ली हाईवे हो, हरियाणा हाईवे हो, पंजाब हाईवे हो, तो उसमें क्या देखने को मिल जाता है, उसमें जगह जगह मतलब रोड साइड पे कार्ट्स लगे होते हैं। मे बी रो वाले का कार्ट, गन्ने के रस वाले का कार्ट, फिर कोई टॉय वाले का कार्ट, कभी किसी का कार्ट, तो छोटे छोटे यहाँ पर कार्ट्स लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ट्स लगाना अलाउड ही नहीं है। ओनली फोर व्हीलर्स मतलब यहाँ पर सिर्फ चार व्हीलर्स घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। अच्छा, टियोस के बारे में बताओ, कैसी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है? बहुत अच्छा गाड़ी है, 2015 का है। 2015 का, तो अब हो चुका है 22, मतलब 7 साल हो गए। और ये 10 साल, ऐसा भी रूल है 10 साल बाद ये चला जाएगा? बहुत अच्छा गाड़ी है। माइलेज कितना देता है ये? 20 आता था एसी में। हाँ, एसी में 20 आता। एसी में 20 आता है? यस। हाईवे में या लोकल? हाईवे में। अरे वाह भैया ने बड़ा स्पष्ट बता दिया, एसी में 20 आता है और आता रहे। ये रहा भैया, मैं सोचा चलो आज कार की बात में आपको थोड़ी सी गाड़ी की बात हो जाए, थोड़ी सी हैदराबाद की सड़कों की बात हो जाए, थोड़ी सी आपकी बात हो जाए, थोड़ी सी अरुण भाई की बात हो जाए। ये यहाँ पर है। तो भैया कितने साल हो गए अपना ड्राइविंग करते हुए? पांच साल से। उससे पहले क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइविंग, ज्यादा अच्छा कौन सा प्रोफेशन लगा? मेरा प्रोफेशनल वही है, सब इलेक्ट्रिकल है। ये कभी कभी करते हो? अभी ड्राइवर नहीं है, मैं कुछ चला रहा। ये आपकी अपनी गाड़ी है? अरे वाह, होटल अटैच है। अच्छा वाह, कितनी गाड़ी है आपके पास? एक ही है। ठीक है। अच्छा, ड्राइवर नहीं है तो आप खुद ही चला रहे हैं? लॉकडाउन से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना सर। हाँ, तो बिजनेस भी नहीं है इसलिए मैं ये फील्ड में आ गया, और कामा भी नहीं मिल रहा था। हाँ, लॉकडाउन ने बड़ा इफेक्ट किया यार। इसलिए तो मैं गाड़ी चला देता हूँ। गाड़ी चला देते हैं, बढ़िया है। और ये हैदराबाद की बात करें तो ये फिल्म सिटी का शहर है, राइट? फिल्म स्टार्स का शहर है। तो यहाँ पर सारे स्टार्स कहाँ रहते हैं दादा? पूरा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स। अरे वाह, और आज एक फिल्म भी रिलीज हुई है, कौन सी हुई है? ट्रिपल आर। अच्छा, हाँ उसका देखा था, प्रोमो देखा था मैंने। तो मैंने सुना है कि सुबह 6 बजे ही शोज लगने शुरू हो गए थे यहाँ पर, और सुबह 6 बजे ही लोग आने शुरू हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा शोज मिले हुए हैं इस फिल्म को, और धड़ाधड़ हर सिनेमा में उसका रश है, भीड़ है। पायरेसी यहाँ पर चलती नहीं है ना? नहीं, है पूरा गाना बड़ा मशहूर हो रहा है ट्रिपल आर का, वो है बिच्छू बुट्टी। अरे वाह यार, सड़के देखो कितनी सा। अच्छा, इटियोस में कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब सर्विस आपने? बड़ा कर्ज कुछ भी नहीं, खाली सर्विसिंग। कितने की हो जाती है? सर्विसिंग 5,000 शोरूम गए तो 5,000 की। मतलब साल बाद कराते हो? कितनी देर बाद? 3 महीने, एक बार, 2 महीने, मतलब वही 10,000 किलोमीटर बाद। अरे वाह, 2 महीने या 3 महीने बाद ये सर्विस कराते हैं, 5,000 खर्चा है, कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम फ्री है। इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर्स भैया, ये पुरानी एटिवास है तो इंटीरियर्स ठीक ठाक है पुराने के हिसाब से। भैया यहीं पर मीटर दे दिया, यहाँ पर एक स्क्रीन दे दी, अदरवाइज आजकल टच स्क्रीन भी बढ़ चुकी है, सब कुछ बढ़ चुकी है। 2015 में ये सब कुछ नहीं था। डैशबोर्ड भी इनका बढ़िया है, सेक्सी है, क्योंकि ये काफी स्पेशियस है, काफी स्पेस होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन आजकल की गाड़ियों में आर्मरेस्ट आ चुके हैं। अंदर कोई आवाज नहीं है, इंजन नॉइस नहीं है, इंजन नॉइस ऐसे नहीं है कि मैं भैया से पूछ रहा था कि भैया कहीं ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो नहीं, इतनी नहीं है इंजन नॉइस, मतलब बहुत ही मिनिमम इंजन, और मतलब नोटिसेबल नहीं है भैया आप जब अंदर आओगे। बाकी ये रहा इसका हाईवे, ये रहा हैदराबाद, ये रहा मैं, और ये रहे अरुण भाई, और ये रहे भैया। आई होप आपने ये छोटा सा वीडियो एंजॉय किया होगा। आजकल टूर चल रहे हैं, टूर में क्या है कि छोटी मोटी
क्या कहते हैं बातें बातें हो जाए थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत आपको नई चीज दिखा दूं, वही मोटो रहता है। बाकी वापस जाएंगे, वापसी भी मेरे को लगता है अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी गोरखपुर जाना है, गोरखपुर के बाद गोवा जाना है। गोवा वालों, अगर कोई है गोवा वालों, तो 31 से लेके 3 तारीख तक आई विल बी इन गोवा। अगर किसी की भी गाड़ी है वहां पर तो हम मिल सकते हैं जी।